एक्चुअली कि आपके और जो अभी यंगस्टर्स की जनरेशन गैप के कारण ये सब है? नहीं, जनरेशन जो है वो जनरेशन जनरेशन गैप का जो बात कर रहे हैं ना आप लोग, ये सरासर गलत है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम तब से आज तक हर हफ्ते में 200 करते हैं और शो करते हैं आपके जैसा ऐसा टीनेजर सब पब्लिक के बीच में। तो वो टीनेजर पब्लिक जब आके रिक्वेस्ट करते हैं, तेरे उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, ये गाना गाइए या दिल का क्या कसूर गाइए या कसूर गाइए या सड़क गाइए, तब पता चलता है कि इनके दिल में कहीं ना कहीं हम लोग बैठे हुए हैं। तो जेनरेशन गैप कहाँ से हुआ भैया, हम तो दिल के अंदर ही है। इट्स अ म्यूजिकल गैप, आप जो कहना चाह रहे हैं, इट्स नॉट अ जनरेशन गैप। आज भी हम लता जी को किशोर दा को सुनते हैं। अरे इसे कितना शो तू करता है, कितना शो हम करते हैं, बिल्कुल मेलेडी जो है वो 50 साल तक ऐसे चलेगी। पब्लिक में ये डिमांड नहीं होती तो हम शो पब्लिकली शो कैसे करते? ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग शो कर रहे हैं, तो हमारे जो डिमांड है, हम जो इतना पब्लिक हजार हजार लाखों लाखों लोगों के सामने जाके परफॉर्म करते हैं, तो वो किस लिए बुला रहे? अगर हमारे में इतना गैप आ गया और इतना वो कुछ हो गया तो फिर तो। लेकिन सर